हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। गाइस, आज इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSS, और इस CSS ट्यूटोरियल्स में हम लोग बेसिक टू एडवांस प्रॉपर्टीज सीखेंगे। इसमें हम एनिमेशन सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस सेलेक्टर सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, हम यहाँ पे फिल्टर्स लगाएंगे इमेजेस पे, यहाँ पे हम क्वेरीज, मीडिया क्वेरीज सीखेंगे, राइट, कि वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और इसमें हम मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, इसमें हम वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। और गाइज, एक्चुअली इस वीडियो सीरीज़ में आप समझ पाओगे कि जो वेबसाइट्स होती है वो कैसे डिज़ाइन होती है, कैसे डेवलप की जाती है, राइट। और गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो भी वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, उनका सारा कोड जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आप जो है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे CSS का इंट्रोडक्शन, कि CSS कैसे काम करती है, CSS को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे HTML के पेज से इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि CSS क्या होती है, राइट। तो अगर यहाँ पे CSS की बात करें तो CSS का जो फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट। और अगर CSS की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे होता है CSS या स्टाइल शीट लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो CSS होती है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, राइट, ये स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है, राइट। यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू कंट्रोल द लेआउट, प्रेजेंटेशन एंड विजुअल स्टाइलिंग ऑफ HTML एलिमेंट, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो CSS होती है ना, वो कोई भी जो भी मार्कअप लैंग्वेज होती है, चाहे वो HTML हो या XML हो, ठीक है, उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स, जो वेब डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वेब पेज बनाए जाते हैं, राइट, उनका स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, राइट, उनको स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, राइट। उनको प्रेजेंट करने के लिए हमारा जो वेब पेज है, HTML का डॉक्यूमेंट है, उसको किस तरीके से दिखेगा हमारी वेबसाइट, राइट, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम उस अपनी वेबसाइट को, तो वहां पे हम यूज करते हैं CSS, राइट। आप CSS को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो चलते हैं अपने ID में, और वहां पे हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज करना है। सो गाइस, यहाँ पे कोड एडिटर में आ गए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक डायरेक्टरी है CSS करके, राइट। और इस डायरेक्टरी में जो है हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, इस पे यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल्स, राइट। स्टाइल्स करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, स्टाइल्स, ओके। और इसके बाद यहाँ पे एक हम इस CSS वाले डायरेक्टरी में हम यहाँ पे जो एक फाइल क्रिएट करेंगे tutorial1.html, ठीक है, ये हमने HTML की फाइल क्रिएट कर ली जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे, राइट, जो कि हमारा क्या होगा, एक HTML का मार्कअप लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टाइटल चेंज करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ CSS, ओके। फाइल को सेव करके और ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ पे हमारी ये tutorial1.html जो है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो CSS देखेंगे, राइट, तो उसको हम कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं CSS, वो टाइप्स देखते हैं CSS को यूज करने के, राइट। तो देखिए, CSS को यूज करने के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है जो इंटरनल CSS, और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS, राइट। अब इन तीनों तरीकों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इनलाइन CSS, तो यहाँ पे लिखते हैं इनलाइन CSS, राइट, ये इनलाइन CSS हमने लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टैग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने H2 ले लिया, राइट, H2 ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं इनलाइन CSS लिख देते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है इनलाइन CSS, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को यूज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी टैग होता है, ठीक है, उस टैग के ओपनिंग टैग में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे स्टाइल करके, ठीक है। और स्टाइल के अंदर अब जो भी प्रॉपर्टी हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं CSS की, उसमें लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर लिखा, कॉलन, उसके बाद यहाँ पे 2 पिक्सल, सॉलिड, और यहाँ पे रेड कर दिया हमने, ठीक है, सेमी कॉलन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने CSS की लिख दी, बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। आप फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैग पे जो है स्टाइल यहाँ पे इनलाइन CSS के थ्रू हमने यहाँ पे लगा दी। तो ये होता है हमारा इनलाइन CSS। अब इसी के बाद हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे हम कलर यूज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे ब्लू कर दिया हमने कलर, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कलर इसका ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जितनी प्रॉपर्टी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पहला तरीका कि इनलाइन CSS। अब दूसरा तरीका देखते हैं इंटरनल CSS, राइट। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई पहले सबसे पहले कमेंट लिख लेते हैं इंटरनल CSS, राइट,
और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक दूसरा H3 हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटरनल CSS। ओके, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी हेडिंग आ गई इंटरनल CSS। अब इस पे अप्लाई करेंगे हम इंटरनल CSS। देखिए इंटरनल CSS को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हेड टैग है हमारा HTML का, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं स्टाइल, स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर जो भी हम CSS लिखेंगे वो हमारी क्या होती है, इंटरनल CSS होती है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनल CSS। ओके, तो ये हमारी इंटरनल CSS हो गई। अब हमें अप्लाई किस पे करना है, हमें H3 पे इंटरनल CSS अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं H3, जिस भी टैग को हमें अप्लाई करना है, ठीक है, उसमें H3 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी करना है, जैसे कि हम बॉर्डर यहाँ पे लगा देते हैं, बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल, सॉलिड और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख दी, राइट। और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इस पे भी बॉर्डर लग चुका है। अब ये जो बॉर्डर लगा है वो इनलाइन CSS के थ्रू लगा है और ये जो है इंटरनल CSS के थ्रू लगा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है H3, ठीक है, ये एक सेलेक्टर्स हैं, राइट। तो सेलेक्टर्स आने वाली वीडियो में हम इनको डिटेल में समझेंगे कि ये सेलेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इतना समझ लो कि सेलेक्टर्स वो होते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए, राइट, उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, H3 को सेलेक्ट किया और उस पर हमने ये बॉर्डर लगा दिया। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर यहाँ पे चेंज करना चाहें हम, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रेड। ओके, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड तरीका, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड तरीका, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल CSS, राइट। ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं H4, हेडिंग H4 ले लिया हमने, यहाँ पे एक्सटर्नल CSS। ओके, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी आ गई एक्सटर्नल CSS हेडिंग। ओके, अब इस पे हमें करना है CSS अप्लाई, जो कि है एक्सटर्नल CSS के थ्रू, राइट। अब कैसे करेंगे, देखिए एक्सटर्नल CSS जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से फाइल जरूरत पड़ती है CSS की, राइट। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है स्टाइल्स करके, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे style1.css। अब देखिए फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन .css लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि .css एक्सटेंशन इसका होना चाहिए। ओके, तो ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इस फाइल को जो है हमें इस वाले डॉक्यूमेंट से जिस भी पेज में हम लगाना चाहते हैं, ठीक है, उस पेज में हम क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हेड के अंदर, राइट, हेड के अंदर, और यहाँ पे हम एक टैग यूज करते हैं लिंक CSS, राइट। अब देखिए ये लिंक का ओपनिंग टैग होता है, इसमें रिलेशन क्या है, मतलब किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्टाइल सीट, ठीक है, ये स्टाइल सीट है। इसके बाद यहाँ पे पाथ देते हैं, href देते हैं, किसका, वो जो फाइल मैंने क्रिएट की है, ठीक है, उसका पाथ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पाथ कहाँ पे रखा है, इसको मैंने रखा है स्टाइल्स के अंदर, ठीक है, स्टाइल डायरेक्टरी के अंदर, और उसके अंदर style1.css करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फाइल थी उसको हमने लिंक कर लिया इस वाले वेब पेज से। ओके, अब क्या करते हैं, अब हमें स्टाइल इस पे अप्लाई करना है H4 पे। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इस वाली एक्सटर्नल फाइल में चलेंगे और यहाँ पे लिखते हैं H4, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, जैसे बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, और यहाँ पे ब्राउन कर देते हैं। ओके, ये हमने कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये लग गई हमारी CSS। तो ये CSS हमारी एक्सटर्नल CSS के थ्रू लगी है, राइट। हमने बाहर किसी फाइल में हमने CSS लिखी और इस वाले वेब पेज में लिंक करके इसमें हमने अप्लाई कर दी। तो ये तीन तरीके हो गए हमारे CSS को अप्लाई करने के, राइट। अब यहाँ पे अगर कलर भी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर, और यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, राइट, ग्रीन येलो कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों तरीके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तीन तरीके हैं, ठीक है, अब इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है, ठीक है, कौन यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे समझते हैं कि इसमें लोडिंग टाइम सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब सबसे फास्ट लोड कौन सा तरीका होता है, मतलब कौन सा तरीके से हम यहाँ पे CSS लिखेंगे कि सबसे फास्ट लोड होगी, ठीक है। तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं
लोडिंग टाइम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ओके। और इसके बाद यहाँ पे स्पैन टैग एक ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग लोडिंग सीएसएस, ऐसा हेडिंग कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिख ली, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इनलाइन सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टाइल, और इसमें लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं हम ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कर दिया। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारा कलर इसमें बैकग्राउंड लग चुका है, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, ओके, कलर वाइट कर दिया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कलर हमारा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ये हमने किया किससे, इनलाइन सीएसएस के थ्रू। अब इसी टैग पे हम क्या करते हैं, इस जो इंटरनल सीएसएस है, राइट, उस पर भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, स्पैन टैग को टारगेट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, राइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और यहाँ पे कलर जो है वो क्या कर देते हैं, वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं इंटरनल में, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे स्पैन ले लेते हैं, ठीक है, वही टैग, मतलब सेम टैग पे हम तीनों तरीके से हम यहाँ पे सी एस एस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे रेड कर लेते हैं, ठीक है, और कलर क्या कर देते हैं, कलर वाइट ही रहने देते हैं, राइट। तो हमने ये सी एस एस तीन, मतलब एक टैग पे हमने क्या किया, तीन तरीके से सी एस एस अप्लाई कर दी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, कलर वाइट है, ठीक, इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस, और यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस एस। आप ज़रा बताओ कि कौन सी सी एस एस जो है सबसे फास्ट लोड होगी, मतलब सबसे पहले कौन सी सी एस एस इस वाले स्पैन टैग पे अप्लाई होगी, ठीक है। अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ब्राउन कलर वाइट कलर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनलाइन सी एस एस अप्लाई हो रही है, जबकि हमने तीनों सी एस एस यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, देखो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल भी, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इंटरनल जो इनलाइन सी एस एस होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट लोड होती है, ठीक है, मतलब सबसे पहले लोड होती है, इसकी प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे पहले होती है, ठीक। अब मान लो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले इनलाइन सी एस एस को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब इस पर इनलाइन सी एस एस नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो सी एस एस बची हैं, एक यहाँ पे इंटरनल और एक एक्सटर्नल सी एस एस। अब बताओ इनमें से कौन सी लोड होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ब्लू बैकग्राउंड कलर और वाइट कलर, तो मतलब यहाँ पे इंटरनल सी एस एस यहाँ पे लोड हुई, ठीक है, ये इंटरनल, मतलब ये, अब अगर इनलाइन सी एस एस के बाद की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल सी एस एस की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, ठीक है, ये सबसे पहले लोड होती है इनलाइन के बाद, ठीक है, ओके। अब मान लो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब लास्ट में जाकर के ये इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल सी एस एस जो है ये लोड हुई, तो मतलब इससे समझ में आया ये कि जो एक्सटर्नल सी एस एस होती है उस वो लोडिंग टाइम ज़्यादा लेती है, मतलब वो लेट में लोड होती है, मतलब उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे बाद में होती है। अगर अगर उसको हम इनलाइन सी एस एस मिलती है, ठीक है, तो इनलाइन सी एस एस पहले लोड करेगी या फिर इंटरनल सी एस एस पहले लोड करेगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल लोड करेगी। तो अगर इससे अगर आप समझोगे ना तो इससे क्या पता चलेगा, इससे यही पता चलेगा कि जो बेस्ट तरीका है ना वो इनलाइन सी एस एस है, इनलाइन सी एस एस लगाएंगे वो फास्ट लोड होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एच टू और ले लेते हैं, ठीक है, एच टू ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं इनलाइन सी एस एस, ठीक है, इनलाइन सी एस एस लिख दिया, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों सेम टैग हैं, एच टू टैग यहाँ पे भी है, एच टू टैग यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन इस वाले टैग पे ही अप्लाई हुई, इस पे नहीं अप्लाई हुई, क्यों, क्योंकि मैंने इस पर ही यहाँ पे इनलाइन सी एस एस लगा रखी है, ठीक, इस पे नहीं लगा रखी है। अगर इस पे भी अप्लाई करना है तो यही वाली सी एस एस हमें कॉपी करके इस पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो डबल हो जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे एच टू टैग हैं और सभी पे मुझे सेम स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, सभी पे जाके अलग अलग अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, तब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम इंटरनल सी एस एस से, कैसे, तो इसका मतलब हम इसको नहीं यूज कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें मिनिमल कोड लिखना है सी एस एस का, जैसे कुछ ही प्रॉपर्टीज लिखनी है या फिर किसी एक पर्टिकुलर टैग के लिए हमें सी एस एस लिखनी है, ठीक है, तब हम वहाँ पे इनलाइन सी एस एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अब मान लो हमने क्या किया, एच थ्री यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एच थ्री और इंटरनल सी एस एस,
ठीक है, इंटरनल सीएसएस। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो दो टाइप ले लिए, ठीक है। और आप देखो मैंने सीएसएस किसके लिए लिखी, सीएसएस सिर्फ यहाँ पे लिखी है एक बार, ठीक है, इस वाले एच थ्री के लिए, लेकिन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो दोनों सीएसएस यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब चाहे जितने इसमें चाहे जितने हम यहाँ पे टैग ले लें, सभी पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, तो ये इंटरनल सीएसएस में ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो गई कि मतलब यहाँ पे हम चाहे जितने सेम टैग ले लें सभी पे अप्लाई होती चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम, तो अब ये पता चला कि ये वाली इंटरनल अच्छी अच्छी होती, ये यूज करेंगे नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या करते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ट्यूटोरियल 1.1.html, ठीक, ये हमने एक दूसरी फाइल html की क्रिएट कर ली, राइट, ओके। अभी क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं h1 में, ठीक है, और ये जो h4 है ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जो h3 है, ठीक है, h3 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें जाके आप डाल देते हैं, ठीक है। और इस वाले जो, इसको हम दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे था 0.1.html, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे डाली h3, ठीक है, ये यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे h3 जो हमने लिखा था, अगर इसमें देखते हैं तो h3 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी अप्लाई हो रही है css, ठीक, h3 पे, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है दूसरे पेज में, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अगर मान लो हम कई सारे पेज की वेबसाइट एक बना रहे हैं, ठीक है, और हर पेज में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन पे सेम स्टाइल अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो अगर हम स्टाइल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वही कोड हमें बार बार जा करके उसमें लिखना पड़ेगा हर पेज में। अगर इसमें अप्लाई करना है तो यहीं से हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जा करके हेड के अंदर इसको हम डाल देते हैं, ठीक है, और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब अप्लाई हो गई, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होगा, दो बार हमने कोड लिख दिया ना सेम कोड, तो ये तो कोड लेंदी हो गया और अननेसेसरी कोड यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है ना। ऐसे मान लीजिए हजारों पेज हैं तो सभी में क्या इसको हम पेस्ट करेंगे जाके, ऐसा नहीं कर सकते ना। तब ये प्रॉब्लम दूर होती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस से। कैसे, अब क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं, ये जो हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस है, ठीक है, इसको हम इसमें भी लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली फाइल्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे भी हम लिंक कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमने लिंक कर दिया। अब ये वाला टैग जो है ना, इसको हम एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये वाला जो h3 कोड था ना, इसको हम यहाँ से यहाँ पे जा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे भी अप्लाई हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कोड, ट्यूटोरियल 1.1 में हमने यहाँ पे css नहीं लिखी है इसमें कहीं पर भी, लेकिन हमने ये फाइल लिंक कर रखी ट्यूटोरियल स्टाइल 1.css, ठीक है, इसमें हमने h3 का कोड यहाँ पे स्टाइल लिख रखी है, ये देखो, ठीक है, ब्लू कलर रेड, तो ये देखो अप्लाई हो गई। अब चाहे जितने हम पेजेस बनाए html के, ठीक है, हमें सिर्फ करना क्या है, जो भी स्टाइल हमें करनी वो इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक कर लेते हैं हेड के अंदर, और सारी स्टाइल जो है अप्लाई हो जाती है। अगर इवन दो यहाँ से हम इसको कमेंट कर दें h3 को, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, अब देखिए h3 यहाँ भी काम करेगी, ठीक है, ये देखो काम कर रही है, यहाँ पे भी काम कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक जगह लिखा कोड, यहाँ पे सिर्फ कोड लिखा और दोनों पेजेस में यहाँ पे देखो काम कर रहा है, इसमें भी h3 के लिए काम कर रहा है और इसमें भी h3 के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में, ठीक है। और आप तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीएसएस है वो कौन सी हमें यूज करनी चाहिए। देखिए इनलाइन सीएसएस हम यूज करते हैं, तीनों तरीके यूज करते हैं, ठीक है, तीनों तरीके से हम स्टाइल लिखते हैं, लेकिन जो इनलाइन सीएसएस होती है ना, उसको हम मिनिमल कोड के लिए लिखते हैं, जैसे कि दो तीन प्रॉपर्टी, चार पांच प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं, इस वाली सीएसएस का, ठीक है। और अगर हम इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे कोड भी बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, और कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ किस स्टाइल लिखी है, राइट, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंटरनल सीएसएस, अगर इंटरनल सीएसएस हमें यूज करनी है तो ध्यान रहे कि हम जो भी इंटरनल सीएसएस यूज करना है उसी पेज के लिए यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने इंटरनल सीएसएस लिखी है तो वो इसी पेज के लिए पर्टिकुलर काम करेगी, दूसरे पेज के लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि इसी पेज में हमें ज़रूरत है वो सीएसएस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
और अगर हमें कॉमन सी एस एस लिखनी है सभी पेजेस के लिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टाइल वन डॉट सी एस एस, राइट। तो ये ज़्यादातर यूज की जाती है स्टाइल, मतलब एक्सटर्नल सी एस एस। तो आई होप ये तीनों तरीके गाइज आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आई, उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, राइट। और गाइज यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी सी एस एस की लिखी हैं, ठीक है, ये इस पर टेंशन मत लीजिए, इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। जो भी प्रॉपर्टी सी एस एस की हमने लिखी, जैसे बैकग्राउंड कलर, कलर, राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।